वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। कंजक्शंस के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंजक्शंस का डेफिनेशन एंड कंजक्शंस के थ्री टाइप्स यहाँ पे हैं। पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अर्थात कोऑर्डिनेटर्स, दूसरा कोरिलेटिव कंजक्शंस कोरिलेटिव्स एंड तीसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सबऑर्डिनेटर्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में कंजक्शन के लेक्चर में देख लिया है। आज हम तीसरा जो टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसको लेकर आए हैं इस लेक्चर में। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, जिन कंजक्शंस की सहायता से प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं उनको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, वी स्टूड अप एज द टीचर केम। अगर इसको मैं सेंटेंस को तोड़ूं तो सेंटेंस हो सकता है ऐसा होगा, स्टूड अप, वी स्टूड अप। दूसरा होगा एज द टीचर केम। अब आप देखिए, वी स्टूड अप, हम खड़े हुए, यहां पे पहला सेंटेंस हुआ हम खड़े हुए, दूसरा एज द टीचर केम, ज्यों ही टीचर आए। तो यहां पे जिस पार्ट का पूरा मतलब निकलता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो वन नंबर विल बी प्रिंसिपल क्लॉज, और जिस पार्ट का पूरा मतलब निकल नहीं पाता है और पूरा मतलब निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। एज द टीचर केम, ज्यों ही टीचर आए, अगर हम केवल बोलें ज्यों ही टीचर आए, इससे मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यों ही टीचर आए पढ़ाना शुरू किए या हम खड़े हुए या वो चले गए या गुस्सा हो गए, कुछ भी हो सकता है मीनिंग। लेकिन पूरा मीनिंग निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि अदर पार्ट क्या है। अदर पार्ट है वी स्टूड अप, हम खड़े हो गए। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको बोलते हैं, वी स्टूड अप को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसको जोड़ने के लिए वर्ड आया है एज। ऐसे एज सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही पार्ट होता है, लेकिन एज को बोलते हैं कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ गए होंगे आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। इसके टाइप्स हैं, टाइप्स होते हैं टाइम के लिए कंजक्शंस कुछ हैं, प्लेस के लिए कुछ कंजक्शंस हैं, कंडीशन मतलब शर्त के लिए कुछ कंजक्शन है, कंडीशन मतलब शर्त, कॉज मतलब कारण के लिए है, रिजल्ट मतलब परिणाम के लिए, पर्पस मतलब उद्देश्य, कंपैरिजन तुलना, कंसेशन मतलब विरोध का भाव जब दिखाना होता है तो वहां पे विरोध के भाव के लिए भी कुछ कंजक्शंस हैं, मैनर मतलब तरीके के लिए भी कुछ कंजक्शन है। तो हम सबको देखेंगे इस लेक्चर में, सबका एग्जाम्पल और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। पहले टाइम का, टाइम के लिए कंजक्शन है, इनकी संख्या बहुत अधिक है, बिफोर, टील, अनटील, सिंस, आफ्टर, एज सून एज मतलब जो ही, एज लॉन्ग एज जब तक, एज के लिए जितनी तेजी से हो सके, एज मतलब जैसे, वेन कब जानते हैं, एज सून एज का मतलब सेंटेंस में आएगा, हार्डली स्केर्सली वेन बिफोर। होता क्या है, एक है हार्डली वेन हार्डली बिफोर, स्केर्सली वेन स्केर्सली बिफोर, तो दोनों को एक साथ कर दिया, हार्डली स्केर्सली वेन बिफोर। हाँ, ये समझ लेंगे आप, मतलब चार को मैंने एक साथ लिख दिया है। अब इन सब का यहाँ पे दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, और इन सेंटेंस जो दिया गया है एक सीक्वेंस में दिया गया है, शायद सीक्वेंस में है। एनीवेज देखिए यहाँ पे, डोंट गेट अप बिफोर बस स्टॉप्स, जब तक बस रुकती है उससे पहले नहीं गेट अप, उतरो नहीं, तो यहाँ पे बिफोर का यूज हो गया पहले। ऐसे ही सिंस का भी यूज यहाँ पे दिख रहा है, सिंस का भी यूज है, फिर सिंस भी यहाँ पे है, फिर एज का भी यूज है, आप देख रहे हैं एज है, और हम तो शुरू में देखा ही है कि वी स्टूड अप एज अ टीचर केम, यही सेंटेंस ले गया था मैं वहां पे, ही हैड स्केर्सली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड, वह मुश्किल से गया था कि उसका दोस्त पहुंच गया। तो यहाँ पे स्केर्सली के साथ वेन का प्रयोग किया गया है, कहा था स्केर्सली के साथ वेन हो सकता है, स्केर्सली के साथ बिफोर हो सकता है, हार्डली के साथ वेन हो सकता है, हार्डली के साथ बिफोर हो सकता है, कोई दो ही रहेगा, ये पेयर में रहेंगे। नो सूनर के बाद आप जानते हैं देन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सूनर के बाद देन, इसका यूज किया है, नो सूनर डिड ही रिटर्न देन ही वाज ऑफ अगेन, जैसे ही वो वापस आया, जो ही वो वापस आया था उसे फिर वापस जाना पड़ा, चला गया, तो यहाँ पे हो गया। एज ही इंटर द रूम ही मेट मी, यहाँ पे एज आ गया, जो ही वो रूम में इंटर किया वो मुझसे मिला। व्हेन आई सॉ
टाइम जब मैंने टाइम देखा, जब उसने टाइम देखा, व्हेन ही शो द टाइम, जब उसने टाइम देखा, ही वॉज अफ्रेड, वह भयभीत हुआ। तो यहाँ पे वेन का यूज हो गया, इधर आफ्टर का यूज है। तो देयर जितने हैं इन सब का यूज करते हैं, लेकिन इसमें सेंस जो होता है टाइम होता है। देखिए वेन आफ्टर मतलब बाद में, टाइम के लिए ही होता है। आज मतलब जैसे ही, ये भी टाइम के लिए है। नो सूनर देन मतलब जो ही, इस तरह की कुछ मीनिंग आएगा इसका, तो ये भी टाइम के लिए है। स्केर्सली मतलब मुश्किल से, ये भी टाइम के लिए है कि जब मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि उसका दोस्त आ गया था। तो यहाँ पे भी टाइम से रिलेटेड हो रहा है। सिंस मतलब आई हैवंट सीन रीमा, रीमा को नहीं देखा है सिंस शी लेफ्ट दिस प्लेस, जब वो इस जगह को छोड़कर गई। तो यहाँ पे जब से चाहे जब आ रहा है, यह भी टाइम के लिए आ रहा है। तो जितने प्रीपोजिशन लिखे हैं टाइम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो कंजक्शन तो है ही, लेकिन ये टाइम के लिए होते हैं, इसको बोलते हैं टाइम वाले सबॉर्डिनेट कंजक्शन। नाउ प्लेस वाले, प्लेस में वेयर एंड वेयर एवर, वेयर मतलब जहां होगा और वेयर मतलब जहां कहीं होगा, जहां कहीं। तो वी गेट फ्रेस एयर वेयर देयर आर ट्रीज, हम ताजी हवा प्राप्त करते हैं जहां पेड़ होते हैं। हिंदी इसकी हो गई, यहाँ पे जहां का वेयर का यूज कर दिया। राम में गो वेयर एवर ही लाइक्स, राम जा सकता है जहां कहीं वह चाहता है, तो यहाँ पे जहां कहीं का यूज कर दिया। कंडीशन मतलब शर्त, बताया था शुरू में भी, फिर से लिख दे रहा हूँ। इफ मतलब यदि, अनलेस मतलब इफ नॉट, यदि नहीं, प्रोवाइडेड मतलब, प्रोवाइडेड मतलब यद्यपि, सो लॉन्ग वाज तब तक, वेदर और सेंटेंस में इसका मीनिंग निकलेगा। तो इफ यू डोंट लेबर यू कैनॉट पास, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं आप पास नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ जो अगर है क्या है, शर्त है कि आप मेहनत करेंगे तभी पास होंगे, ये शर्त है। ठीक है, यू मे प्ले हियर सो लॉन्ग एज यू डोंट डिस्टर्ब मी, सो लॉन्ग एज मतलब कि तब तक आप यहाँ खेल सकते हैं, जब तक चाहे तब तक आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे शर्त है कि डिस्टर्ब नहीं करना है, खेलना तो है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ पे सो लॉन्ग एज कंजक्शन, कंजक्शन है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, कंडीशन वाला। फिर यू हैव टू डू दिस वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट, यहाँ पे वेदर और का यूज हुआ है। आप इसे, आपको इस काम को करना है चाहे आप इसे पसंद करिए चाहे ना करिए, एक शर्त है। चाहे आप पसंद करिए चाहे ना करिए, आपको इस काम को करना ही करना है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है कॉज। कॉज मतलब कारण के लिए, जैसे एज मतलब जैसे, बिकॉज जानते हैं, सिंस जानते हैं, नाउ दैट जानते हैं, इन दैट जानते हैं। इन सब का एक वीडियो है आपके पास जिसमें हिंदी भी है। तो नाउ दैट की हिंदी होती है चूंकि, अब इन दैट की हिंदी होती है के कारण से, सीइंग दैट की हिंदी होती है जबकि, देखा जाए तो भी हिंदी होती है, कंसीडरिंग दैट विचार करते हुए, इन एज मच एज यद्यपि क्योंकि, ऐसे कुछ हिंदी है इसका। तो ये सब क्या है, कॉज है। कॉज कैसे, ही रीच्ड लेट सिंस इट वॉज रेनिंग, चूंकि बरसात हो रही थी इसलिए वह लेट से आया। तो यहाँ पे कारण क्या है, बरसात होना था, इस कॉज के लिए यूज किया है सीन्स को, तो इसलिए कॉज आएगा। ही शुड बी एक्सक्यूज नाउ दैट ही बेग्स एन अपोलॉजी, ही शुड बी एक्सक्यूज, उसे माफ कर दिया जाना चाहिए, नाउ दैट क्योंकि अब, नाउ दैट की हिंदी होती है चूंकि अब, नाउ दैट की हिंदी है चूंकि अब, चूंकि अब ही बेग्स एन अपोलॉजी, चूंकि अब वह माफी मांगता है। तो यहाँ पे कॉज है, क्यों माफ करना चाहिए, क्योंकि वो माफी मांगता है। क्यों लेट था, क्योंकि बरसात हो रही थी। ऐसे ही रिजल्ट मतलब परिणाम, दैट सो दैट सच दैट, ये है रिजल्ट के लिए। जैसे ही गेव सच अ टॉक दैट नो वन लाइक्ड, वो ऐसा भाषण दिया, टॉक मतलब भाषण कहते हैं, ही गेव सच अ टॉक, वो ऐसा भाषण दिया दैट, जिसे नो वन लाइक्ड, कोई पसंद नहीं किया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, पसंद नहीं किया, तो दैट का यूज किया हमने। फिर He is so dull that he cannot understand me. वह इतना सुस्त है कि वह मुझे समझ नहीं सकता है। तो यहाँ पे आया है so और that, दो आया है so और that। देखिए यहाँ पे so that है। तो इस तरह से यहाँ पे result की बात करते हैं, that, so that, such that से। Purpose के लिए, purpose जैसे कि that, आप जानते हैं purpose का मतलब कि, so that इन और सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दोनों का हिंदी होता है ताकि, लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, हाँ इन केस मतलब यदि। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो नहीं तो आप गिर जाओगे। हाँ ऐसा इसका मीनिंग है।
कीप नोटबुक सो दैट मतलब ताकि यू मे नोट डाउन ऑल पॉइंट्स, आप सभी बिंदुओं को लिख सकें। तो यहाँ पे पर्पस है कि नोटबुक क्यों रखना है, स्लोली वॉक क्यों करना है। अब आगे है कंपैरिजन, तुलना करते हैं, एज नॉट सो एज और देन। देखिए जब आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन तो कंपेरेटिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो रीमा इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, रीमा मून के समान ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जब तुलना करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में तो हम जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले एज और उसके बाद में एज लगाते हैं। लेकिन इसी को अगर निगेटिव बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जो पहला होता है एज उसको सो बदल देते हैं, निगेटिव बनाना है तो उसके पहले नॉट लिख देते हैं, बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सो लग जाए, सॉरी नॉट लग जाए, एज की जगह पे सो लग जाए तो होगा रीमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज द मून। तो पहला जो था रीमा इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, यह रीमा चंद्रमा के समान ब्यूटीफुल है। अब रीमा चंद्रमा के समान ब्यूटीफुल नहीं है तो लगेगा रीमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज द मून। तो एज और नॉट सो का यूज देख लिया हमने। देन का भी यहाँ पे है, रीमा इज हैप्पियर देन सीमा, रीमा सीमा से हैप्पी है, यहाँ देन का यूज किया। तुलना कर रहे हैं हम, देख रहे हैं आप, तो कंपेरिजन करने के लिए हम एज नॉट सो एज एंड देन का यूज करते हैं। कंसेशन मतलब विरोध की का भाव जब होता है वहां पे कंसेशन वाले जो कंजक्शंस हैं, जैसे कि दो अल्दो, दोनों की हिंदी एक ही होती है, यद्यपि इवन इफ इवन दो हाउ एवर, ये सब यद्यपि होता है, इवन इफ इवन दो की यद्यपि होता है, दो अल्दो की भी यद्यपि होता है, हाउ एवर का तो भी होता है, हिज हैप्पी दो हिज पुअर, वह हैप्पी है दो यद्यपि वह गरीब है। तो यहाँ पे दो का यूज हो गया है। फिर मैनर मतलब तरीके, मैनर मतलब एज मतलब जैसे, एज मतलब जैसे, एज इफ मतलब एज दो मतलब मानो, दोनों का मतलब एक ही होता है मानो। ही टॉक्स एज इफ चाहे एज दो, कोई एक लिखेंगे आप, ही वर मैड, वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो, यहाँ पे वर रहेगा सही है। तो जब कुछ काल्पनिक बातें लिखते हैं तो यहाँ जहाँ वाज होता है वहां पर वर लगा देते हैं। तो ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे बात करता है जैसे वो पागल हो। तो इस तरह से आपने देख लिया अभी इस लेक्चर में कि सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस और उसके टाइप्स को देखा, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस का डेफिनेशन देखा, और यह भी देखा कि लास्ट लेक्चर के अनुसार कंजक्शंस के 3 टाइप्स थे, उसमें तीसरा टाइप के बारे में आज हमने इस लेक्चर को देखा है। इसके टाइप्स होते हैं टाइम, प्लेस, कंडीशन, कॉज, रिजल्ट, पर्पस, कंपैरिजन, कंसेशन, मैनर, सबका जो आता है कंजक्शन वो डाल दिया गया है। कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, मीनिंग भी बताने की कोशिश की गई, प्लेस का भी, कंडीशन का भी, कॉज का भी, रिजल्ट का भी, पर्पस का भी, कंपैरिजन वाले कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, कंसेशन वाले कौन से होते हैं और मैनर वाले कंजक्शन क्या हैं, इनका हिंदी क्या है। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।